स्नैपड्रैगन 865 वर्सेस मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है, बहुत ही लाजमी कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों ही फ्लैगशिप लेवल के अपने प्रोसेसर्स हैं अपनी अपनी कंपनीज के। स्नैपड्रैगन ने अभी तक 865 से बेटर परफॉर्मेंस वाला अभी तक कोई प्रोसेसर बनाया नहीं है। बाकी अगर हम बात करें मीडियाटेक की तरफ से, तो उसने डायमेंसिटी 1000 से अच्छा अभी तक कोई प्रोसेसर नहीं मैन्युफैक्चर किया है। यहाँ पर दोनों ही अपने बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर्स हैं, तो दोनों का कंपैरिजन भी लाजमी है। बाकी देखते हैं कि इस बार फ्लैगशिप की लड़ाई में कौन जीतने वाला है, मीडियाटेक या फिर स्नैपड्रैगन बाजी मारने वाला है। तो अगर हम बात करें शुरू से, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। बाकी अगर यहाँ पर आपको टेक वीडियोज मिलती रहती हैं, अगर आपको टेक वीडियो देखने का इंटरेस्ट है, शौक रखते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर वीडियोज पाने के लिए। बाकी इस समय कोरोना का कहर चल रहा है, तो घर में रहिए, सेफ रहिए, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, जितना बचाव कर सकते हो उतना ही अच्छा आपकी सेहत के लिए है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, दोनों ही 7 नैनोमीटर पर बने हुए 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स हैं। तो यहाँ तक तो मामला बराबर ही है, क्योंकि 7 नैनोमीटर से कम वाली टेक्नोलॉजी अभी तक कहीं भी नहीं आई है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स की, जिसके ऊपर पूरा परफॉर्मेंस डिपेंड होता है आपके फोन का और आपके प्रोसेसर का। तो यहाँ पर हम बात करें तो पहले स्नैपड्रैगन 865 की बात करते हैं, वहां पर आपको कोर्टेक्स की A77 कोर्स बेस्ड क्रायो 585 मिली हुई है। क्रायो 585 क्या है कि क्रायो कस्टम कोर्स है, इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आप ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो वो ओरिजिनली बेस्ड है कोर्टेक्स A77 पर, जिनमें एक कोर आपकी क्लॉक होती है 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पर, बाकी तीन कोर जो क्लॉक होती हैं वो होती हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर, और जो बाकी की चार कोर्स हैं वो एफिशिएंसी कोर हैं। ये जो चारों कोर्स थी ये आपकी परफॉर्मेंस कोर्स थी, वो है हमारी कोर्टेक्स A55 बेस्ड क्रायो 585 सिल्वर। यहाँ पर कोर्टेक्स A55 का यूज किया गया है और ये आपके 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हो सकती हैं। तो इससे ऊपर अभी इससे अच्छा आपको सीपीयू मिला भी नहीं है कोर्टेक्स की तरफ से, A77 से बेटर अभी तक कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 की, तो वहाँ पर भी आपको यही कोर्स सेम देखने को मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग है। चार कोर्स आपको A77 की मिल जाती हैं और उसको क्लॉक हो सकती हैं 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक, और जो बाकी की चार कोर्स हैं वो आपको कोर्टेक्स A55 की मिल जाती हैं जो आपकी क्लॉक हो सकती हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो अगर यहाँ तक हम देखें पावर एफिशिएंसी की बात करें, तो पावर एफिशिएंसी में आपका तेज निकल के आता है, क्योंकि एफिशिएंसी कोर जो है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हो रही है, ज़्यादा पावर सेविंग है हमारा स्नैपड्रैगन 865। इसके अलावा हम बात करें जीपीयू की, तो एड्रीनो का 650 जीपीयू 650 जीपीयू यूज हुआ है हमारा स्नैपड्रैगन 865 में। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 की, वहाँ मालिका G77 MC9 यानी कि 9 कोर्स G77 की यूज हुई है। तो गेमिंग के लिहाज से दोनों ही सेम है, नो प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छा आपको बेटर फ्लेक्सिबल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों ही प्रोसेसर में मिलने वाला है। तो गेमिंग के लिहाज से विदाउट एनी डाउट जाहिर सी बात है यार कि फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर्स हैं, तो गेमिंग आपको एंड टू एंड ही मिलने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी कैमरा सपोर्ट है और ISP है उसके बारे में। तो कैमरा सपोर्ट स्नैपड्रैगन का 865 करता है, 200 मेगापिक्सल तक सिंगल कैमरे को स्नैपशॉट ले सकता है, 64 मेगापिक्सल को MFNR कर सकता है, कम्प्लीटली प्रोसेस करके आपको पिक्चर देगा। और बाकी डुअल कैमरे की बात करें तो 25+25 का डुअल कैमरा सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो इनकी ISP है, इमेज प्रोसेसिंग है, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 क्लेम करता है कि हम 2GB पिक्सल्स पर सेकंड को प्रोसेस कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 की, तो वहां पर आपका सिंगल कैमरा 80 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा 32+16 मेगापिक्सल का सपोर्ट करता है। तो कैमरे लिहाज से कैमरे के डिपार्टमेंट में हम देखें तो लगभग ओके मामला है, लेकिन फिर भी स्लाइटली स्नैपड्रैगन 865 हमें आगे निकलता हुआ नजर आता है, क्योंकि 200 मेगापिक्सल सपोर्ट करता है स्नैपशॉट के लिए, और बाकी जो हमारी पिक्सल्स की प्रोसेस करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, 2GB पर सेकेंड, कुछ मायने रखता है। दोनों ही आपके 5G प्रोसेसर हैं, दोनों में ही आपको 5G मॉडम इनबिल्ट मिलती है। जो हमारा स्नैपड्रैगन 865 है उसके अंदर आपको X55 मॉडम मिलता है, जबकि दूसरी तरफ आपको उनका अपना 5G NR मॉडम देखने को मिल जाता है। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम 5G दोनों में ही इनेबल्ड है, तो आप इस फोन को, इस प्रोसेसर पर जो भी फोन आएंगे, वर्ल्ड वाइड कहीं भी लेकर के घूम सकते हो। जहां पर भी 5G नेटवर्क होगा वहां आपको सपोर्ट करेगा, जहां नहीं होगा वहां पर आप 4G से काम चलाइएगा।
और बात करते हैं यहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है स्नैपड्रैगन 865, लेकिन 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले सपोर्ट की, तो 4K डिस्प्ले सपोर्ट करता है आपका स्नैपड्रैगन 865 और 2K डिस्प्ले सपोर्ट करता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000। तो दोनों में ही हमारा स्नैपड्रैगन आगे निकलता हुआ नजर आ जाता है। नेविक इनेबल्ड है स्नैपड्रैगन 865 में, जबकि ये सुविधा आपको नहीं मिलती मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 में। नेविक क्या है ये मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, इंडिया का अपना सैटेलाइट सिस्टम, उसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिटेल से वो देख लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टोरेज सपोर्ट की, तो UFS 3.0 का सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाता है, लेकिन LPDDR5 रैम सपोर्ट करता है हमारा स्नैपड्रैगन 865, लेकिन LPDDR4X तक ही सपोर्ट कर पाता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000। तो यहाँ पर भी रैम के मामले में आपको स्नैपड्रैगन 865 काफ़ी आगे निकलता हुआ नजर आता है, क्योंकि LPDDR4 से LPDDR5 जो है लगभग डबल स्पीड में आपका प्रोसेस कर पाती है, ये आप सब जानते हैं। अगर हम यहाँ पर अपलोड और डाउनलोड स्पीड की बात करें, डाउनलोड स्पीड में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, 7.5 GB पर सेकंड की स्पीड आपको मिलेगी स्नैपड्रैगन 865 में। वहीं दूसरी तरफ आपको 4.7 GB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 में। वहीं अगर हम अपलोड स्पीड की बात करें, तो 3 GB पर सेकंड तक आप अपलोड कर पाएंगे आराम से स्नैपड्रैगन 865 में। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 की, तो वहां पर आप 2.3 GB तक अपलोड कर पाएंगे। तो दोनों में ही आपका स्नैपड्रैगन 865 विनर निकल करके आ जाता है। अब फाइनली कंक्लूजन करते हैं और बात करते हैं अंतुतु स्कोर की, क्योंकि वही एक ऐसा बेंचमार्क है जो दोनों ही प्रोसेसर्स के परफॉर्मेंस को तय करता है कि कौन ज़्यादा बेटर वर्क करता है। तो अंतुतु स्कोर की बात करें, तो 511,000 अंतुतु स्कोर निकल के आया है हमारा स्नैपड्रैगन 865 के मुकाबले, काफ़ी कम है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 का बैठता है 587K, तो डायमेंसिटी 8511K के साथ में काफ़ी पीछे रह जाता है। तो फिलहाल हमारे इस कंपैरिजन का विनर तो जाहिर सी बात है हर चीज़ में निकल के आया है स्नैपड्रैगन 865। तो स्नैपड्रैगन 865 पर जो भी मोबाइल आने वाला है वो आराम से परफॉर्मेंस के मामले में बीट करेगा आपके मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 के मोबाइल्स को। तो उम्मीद है कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।